वेलकम वेलकम एवरीवन टू द सेकंड वीडियो लेसन ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर। पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने कवर अप किया था कि नरेटर एक डिलीवरी मैन से स्टेशन पर मिलता है और उससे बताता है कि वो ओलिवर लुटकिन नाम के आदमी को ढूंढना चाहता है। वो हैक ड्राइवर जल्दी ही उसके साथ उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाता है और फिर अपनी हैक निकालता है और हैक पर बैठ करके वे लोग ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो डिलीवरी मैन सजेस्ट करता है नैरेटर को कि तुम अपने फैंसी कपड़ों में अगर ओलिवर लुटकिन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें देखकर सस्पिशियस हो जाएगा और छुप जाएगा या भाग जाएगा। उसने नैरेटर से समझाया कि तुम्हें करना ऐसा है कि पहले आगे आगे दुकान में मैं जाया करूँगा, जिस किसी भी जगह पे उसे ढूंढना होगा वहाँ आगे आगे पहले मैं जाके पता कर लूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे छुप करके आ जाना। नैरेटर को उसकी बात काफ़ी पसंद आई। ही राइट्स, आई लव हिम फॉर दिस। नैरेटर ने लिखा है कि उसकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बहुत पसंद आई। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, क्योंकि अगर मैं खुद कोशिश करता तो मुझे लुटकिंस कभी मिलने वाला नहीं था। एंड विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, जबकि इस हैक ड्राइवर की जानकारी की मदद से मैं बिल्कुल ही श्योर था, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं जिस आदमी को तलाश रहा हूँ वो मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, और उस डिलीवरी मैन से ये बता दिया कि मैं ओलिवर लुटकिंस को एक कोर्ट का नोटिस देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। साथ ही साथ ये भी बता दिया दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस, ये भी बताया कि उस आदमी ने विटनेस के रूप में कोर्ट में हाजिर होने से उपस्थित होने से मना किया हुआ है, यानी आने के लिए तैयार ही नहीं है। वेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, जबकि ओलिवर लुटकिन अगर कोर्ट में एक बार अपने आप को प्रेजेंट कर ले, अपना विटनेस अपनी गवाही दे दे तो ये केस खत्म हो जाएगा, केस सेटल हो जाएगा। द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली, ड्राइवर ने बहुत ही ध्यान से बातों को सुना। एट द एंड, और सारी बातों को सुनने के बाद, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने नैरेटर के शोल्डर पे हाथ मारा एंड लॉफ्ड, और हंसता हुआ बोला वेल विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज, हम लोग आज लुटकिन भाई को एक सरप्राइज दे ही देंगे। तब नैरेटर ने उससे कहा लेट अस स्टार्ट ड्राइवर, उसने कहा ड्राइवर चलो अब हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन, उस हैक ड्राइवर ने उससे कहा कि देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे या तो बिल के नाम से बुलाते हैं या मैग्नूसन के नाम से बुलाते हैं। शायद उसे ड्राइवर सुनना पसंद नहीं आया था इसलिए उसने अपना नाम बताया, और शायद उसने नैरेटर को यह इशारा किया था कि नैरेटर उसे उसके नाम से पुकारे, और उसने अपना नाम क्या बताया, बिल और मैग्नूसन। यहाँ एक बात और भी हो रही है, ये सेक्रेट आगे चल के खुलेगा। उसने अपना नाम बिल और मैग्नूसन बताया था, अपना नाम क्यों बताया इस बारे में हम लोग चैप्टर के एंड में बात करेंगे। फिर उस हैक ड्राइवर ने बताया माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और मेरे बिजनेस का नाम है, मेरा नाम मैग्नूसन है और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। उसने अपने बिजनेस का नाम बताया, उसके बिजनेस का नेम याद रखेंगे। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, नैरेटर ने उसे जल्दी जल्दी चलने का इशारा करते हुए कहा ठीक है बिल चलो अब हम लोग फ्रिज की तरफ चलते हैं। फ्रिज कौन है? फ्रिज का एक दुकान है जहाँ के बारे में अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले नैरेटर को इस हैक ड्राइवर ने कि इस समय ओलिवर लुटकिन कहाँ मिलेगा। अभी वो फ्रिज के दुकान पे मिलेगा, वहाँ वो पोकर का गेम यानी एक कार्ड गेम खेल रहा होगा। यस, तब उस हैक ड्राइवर ने कहा यस लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, बोला हाँ हाँ चलते हैं लुटकिन के पास, लेकिन वहाँ पे उसके होने की संभावना उतनी ही है जितनी वो कहीं भी होने की हो सकती है। दैट मीन्स वो कहीं भी हो सकता है, ये लुटकिंस उस फ्रिज के शॉप पे भी हो सकता है या फिर कहीं भी हो सकता है, हर जगह पॉसिबिलिटी बराबर है।
यार इसके कहने का मतलब था कि फ्रिज की दुकान में चलते तो हैं, वहां मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। देन ही कंटिन्यूज, लुटकिन प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर। ये लुटकिन है ना, उसको कार्ड यानी ताश खेलने का बहुत शौक है, जुआ खूब खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और साथ ही साथ लोगों को धोखा देने में वो बड़ा एक्सपर्ट है। बिल सिम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। उस हैक ड्राइवर की बातों को सुनकर नरेटर को ऐसा लग रहा था कि वो हैक ड्राइवर लुटकिन की डिसऑनेस्टी का फैन है, यानी लुटकिन की डिसऑनेस्टी के तरीकों से बहुत ही प्रभावित है। आई फील दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन, ही वुड हैव काउट लुटकिन रेस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विथ रेग्रेट। उस हैक ड्राइवर की बातों को सुनकर नरेटर को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो हैक ड्राइवर कोई हैक ड्राइवर नहीं होता, बल्कि अगर पुलिसमैन होता और उसे अगर लुटकिन को पकड़ना होता, तो ही वुड हैव काउट लुटकिन रेस्पेक्टफुली, उसने बड़ी इज्जत के साथ लुटकिन को अरेस्ट किया होता और उसे जेल में डाल के उसे अफसोस भी होता। यानी उसकी बातों से लग रहा था दैट द हैक ड्राइवर वॉज अ बिग फैन, बिग बिग फैन ऑफ ऑलिवर लुटकिन एंड ऑलिवर लुटकिन डिसऑनेस्टी। बिल लेट मी इन टू फ्रिजेस। बिल मुझे लेकर फ्रिज की दुकान में चला और वहाँ जाके उसने पूछा, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन्स अराउंड टुडे, क्या आज ओलिवर लुटकिन को यहाँ देखा है? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरफुली। और उस आदमी से उस हैब ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसका एक दोस्त आया है उससे मिलने के लिए, और उसके कहने का तरीका कैसा था? चीयरली, यानी बड़ी खुशी के साथ कह रहा था। तो वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, वही उसका नेचर था। और वैसे ही उसने चेयरली यानी मजाक करते हुए हंसते हुए उसने उस आदमी से कहा जिससे भी वो पूछ रहा था फ्रिज की दुकान में, शायद फ्रिज ही होगा, कि क्या उसने ओलिवर लुटकिन को देखा है, उसका एक दोस्त आया है उससे मिलने के लिए। फ्रिज लुक डैट मी, फ्रिज ने नैरेटर की तरफ देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, और नैरेटर बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने बताया, यस ही वॉज इन हीयर ए लिटिल वेल एगो। हाँ, वो यहाँ आया था बस अभी थोड़ी ही देर पहले। गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ सेव। और यहाँ से वो शायद गुस्ताफ की दुकान पे गया है, गुस्ताफ एक बार्बर का नाम है, तो उसने बताया कि यहाँ से वो गुस्ताफ की दुकान पे गया होगा दाढ़ी बनाने के लिए, सेव करवाने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो हैक ड्राइवर ने चलते हुए फ्रिज से कहा कि ठीक है ठीक है, अगर वो यहाँ आएगा तो उसे बताना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। उसके बाद हम लोग फिर से गुस्ताफ के बार्बर शॉप की ओर चल पड़े। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। यहाँ भी बिल पहले पहले गुस्ताफ के शॉप में गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर ही घूमता रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। उसने जाके उस स्वीट से पूछा, स्वीट स्वीट का मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला, रेजिडेंट्स और इनहेबिटेंट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो गुस्ताफ कोई स्विस पर्सन था, यानी वो स्वीट था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। तो उसने उस स्वीट से पूछा और साथ ही साथ वहाँ मौजूद दो कस्टमर से भी पूछा कि क्या उन लोगों ने लुटकिंस को देखा है। द स्वीट हैड नॉट, लेकिन उस गुस्ताफ नाम के आदमी ने, जिसको कि स्वीट कहा जा रहा है, उसने बताया, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली, साथ ही साथ उसने गुस्से में कहा, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, एंड आई डोंट केयर टू, और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। लेकिन तुम अगर उसे मिलने जा रहे हो, वो अगर तुम्हें मिलेगा, तो तुम उससे मेरा $35 मांग लेना, उसके पास बकाया है। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। और एक कस्टमर जो वहाँ बैठा था उसने बताया कि उसे लगता है कि लुटकिंस को उसने इस स्ट्रीट में आगे तरफ आगे की ओर जाते हुए देखा है, दिस साइड ऑफ द होटल, उस तरफ जिधर होटल है। एज वी क्लाइम बैक इन टू द कैब, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ सेव। हम लोग जब गाड़ी में बैठ गए
तो बिल ने अंदाज़ा लगाया कि लुटकिन्स का बहुत ज़्यादा बकाया हो गया होगा गुस्ताफ की दुकान में, इसलिए वो इस समय ग्रे की दुकान पे गया होगा सेव करवाने के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन्स बाय ओनली 5 मिनट्स। ग्रे की दुकान में, ग्रे के बार्बर शॉप में जाके हम लोगों को पता चला कि अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले लुटकिन्स वहाँ से जा चुका है। वी हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। शायद वो यहाँ से पूल रूम में गया होगा। एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बाउट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। और पूल रूम में जाके हमें पता चला कि बस वो अभी अभी पूल रूम आया था, वहाँ उसने एक सिगरेट खरीदा और वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल गया। दैट मीन्स ये आदमी आस पास में ही कहीं है, सो वी परस्यूड हिम, इसलिए हम लोग उसके पीछे लगे रहे। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। हम लोग बस उसके पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन बस वो मिल नहीं रहा था। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और तब तक 1 बज चुके थे दोपहर के। आई वॉज हंग्री, मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन्स और नॉट। नरेटर ने लिखा है उसे भूख तो लग गई थी लेकिन वो बिल की कंपनी को इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, साथ ही साथ बिल जो अपने पड़ोसियों के बारे में अपना ओपिनियन बताता जा रहा था, वो सारी बातें इतनी मज़ेदार थीं कि नरेटर ने लिखा है आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन्स और नॉट। उसने लिखा है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी लुटकिन्स मिलता है कि नहीं, मैं तो बस उस हैक ड्राइवर की कंपनी को बहुत बहुत एंजॉय कर रहा था। तब मैंने उस हैक ड्राइवर से प्रपोज किया, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, चलो हम लोग मिलकर कुछ खा लेते हैं। आई सजेस्टेड, नरेटर ने सजेस्ट किया बिल को, द हैक ड्राइवर को, लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। चलो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं, तुम्हारे लंच का खर्चा भी मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें लंच खरीद दूंगा। तब उस हैक ड्राइवर ने कहा वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, लेकिन मुझे लगता है उस तब सजेशन के बदले में उस हैक ड्राइवर ने नरेटर से कहा कि देखो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम मेरे घर चलो, मैं सीधा घर जाऊंगा अपनी वाइफ के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स, क्योंकि ये सारे रेस्टोरेंट मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं इन सारे रेस्टोरेंट को तो देखना भी नहीं चाहता। ओनली 4 of them, यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं ही कितने, सिर्फ 4, एंड दे आर ऑल बैड, और सबके सब अच्छे नहीं हैं। टेल यू वाट विल डू, मैं तुम्हें बताऊँ मैं क्या करने वाला हूँ, विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, जाके मैं अपनी वाइफ से बोलूँगा कि हम दोनों का लंच पैक कर दे, से वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50। दो आदमी का लंच पैक करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा $0.50 चार्ज करेगी, एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट। और अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खरीदोगे तो वहाँ के बेकार से तेल से चिपचिपे खाने के लिए तुम्हें $0.50 से ज़्यादा देना होगा। एंड विल गो अप टू वेट्स हिल, लंच पैक करवा के हम लोग चले जाएंगे वेट्स हिल पे, वेट्स हिल कोई अच्छी सी जगह होगी, एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, वहाँ हम लोग खाना भी खाएंगे और वहाँ जो कुछ भी सीनरीज हैं हम लोग उन्हें देखेंगे और एन्जॉय करेंगे।